खेती को नुकसान से बचाने और बंदरों की तेजी से बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए अल्मोड़ा में बड़ी संख्या में बंदरों का बधियाकरण किया जा रहा है। अल्मोड़ा के रेस्क्यू सेंटर में अब तक 2000 से अधिक बंदरों का बधियाकरण किया जा चुका है। अल्मोड़ा वन विभाग, सिविल, सोयम अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ वन विभाग क्षेत्रों से बंदरों को पकड़कर अल्मोड़ा के रेस्क्यू सेंटर लाया जा रहा है। सिविल सोयम वन विभाग के DFO प्रदीप कुमार का कहना है कि बंदरों का बधियाकरण कर इनको जंगल में छोड़ा जाएगा। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पे अल्मोड़ा में जो हमारा ये जू वाला एरिया है, रेस्क्यू सेंटर है, यहाँ पे हमारे द्वारा बंदरों का बंधियाकरण यहाँ पे किया जा रहा है। इसमें मेनली अल्मोड़ा डिवीजन, सिविल सोयम अल्मोड़ा डिवीजन और पिथौरागढ़ डिवीजन के जो पकड़े हुए बंदर हैं उनको यहाँ पे लाकर उनका बंधियाकरण किया जाता है। उसके बाद वापस जहाँ से लाए वहीं पर छोड़ा जाता है। तो अभी तक के जो आंकड़े हैं मेरे पास में, इनके अनुसार जो है लगभग तीनों डिवीजन का मिला के लगभग 2000 बंदरों का बंधियाकरण किया जा चुका है और लगातार ये काम चल रहा है। इस वित्तीय वर्ष में ये काम पूरा चलता रहेगा।